हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी के सेकंड ट्यूटोरियल वीडियो में। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में आपने सीखा कि कैसे जब हमारा सीएससी का जो एप्लीकेशन होता है अप्रूव्ड हो जाता है यानी एक्सेप्ट हो जाता है तो हमें अपना अकाउंट जो सीएससी का है उसे कैसे एक्टिवेट करना है। दोस्तों आप लोगों ने आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है, अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप लोग वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना जो सीएससी की जो आईडी होती है उसका पासवर्ड चेंज करना है। दोस्तों आप पासवर्ड चेंज क्यों करना है पड़ता है। दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब हमारी जो आईडी होती है वो ऊपर से अप्रूव होकर के आती है तो जो उसमें पासवर्ड लगा होता है वो ऊपर से ही पासवर्ड लग के आता है, ठीक है। बाई चांस क्या होता है कि अगर आप लोगों को कभी दूसरे डिवाइसेज में अगर आईडी ओपन करनी हुई तो वहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को पासवर्ड नहीं पता रहेगा, जिससे आप लोगों को ओटीपी या फिर और भी कई सारे तरीके से आपको लॉगिन करना होगा। पर दोस्तों अगर आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हो, यानी आप जब पासवर्ड चेंज करोगे तो वो पासवर्ड आपको पता रहेगा। तो दोस्तों जब आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे, जब भी आप किसी दूसरे डिवाइसेस पर लॉगिन करने जाएंगे तो आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि अपने जो सीएससी आईडी उसका पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों आपने यहाँ तक का प्रोसेस कर लिया होगा, आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया होगा। वो एक्टिवेट हो गई है तो आप लोगों को उसका पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका सीएससी आईडी जो आपकी दिख रही है आपको इसे कॉपी कर लेनी है। आपको जैसे आपने सीएससी आईडी कॉपी की हो तो ऊपर आपको माई अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर माई अकाउंट के ऑप्शन पर जाना है और आपको अपनी सीएससी आईडी को आप पर यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे एक मॉडलिटी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करने लेना है। अगर आपके पास आयरिस स्कैनर है तो आप लोग आयरिस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर दोस्तों आयरिस स्कैनर काफ़ी महंगा आता है इसलिए मेरे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है और मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको नीचे कैप्चर फिल करने का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कैप्चर फिल कर लेना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को टिक करके आपको इसको सबमिट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप लोग सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैन करनी पड़ेगी तो आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो लिंक कर रहा होगा, आपको वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करना है। जैसे आप लोग फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेंगे तो दोस्तों जैसे आपकी फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएगी यहाँ पर आपको अपनी आईडी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिसके नाम से आईडी है उसका नेम भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग डैशबोर्ड के बगल में देखिएगा कि आपको अकाउंट सेटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अकाउंट सेटिंग वाले ऑप्शन पर आएंगे यहाँ पर आपको नीचे अपडेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे नीचे आपको यहाँ पर पूछेगा कि आपको पुराना पासवर्ड पता है कि नहीं। दोस्तों आपकी अभी सीएससी नहीं है, जो सीएससी की आईडी है वो अभी नहीं है, आपको अपना पुराना पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसलिए दोस्तों अब आपकी आईडी कंफर्म करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा ओटीपी का। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे ओटीपी का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है, आपके मोबाइल पर ओटीपी रिसीव होगी। तो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड होगा सीएससी आईडी पर, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर एक भी ओटीपी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गई है तो यहाँ पर मैं अपना ओटीपी डाले दे रहा हूँ दोस्तों, और उसके बाद मैं इसे सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद मुझे यहाँ पर देखिए नीचे न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों मैं अपना न्यू पासवर्ड बना ले रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड डाल के इसको सबमिट कर दूंगा। अपना न्यू पासवर्ड सेट कर लिया है और मेरा जो पासवर्ड है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम लोग अपनी सीएससी आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपनी सीएससी आईडी पर बैलेंस ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप सीखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर के अपनी सीएससी आईडी में पैसे कैसे ऐड करने हैं वो आप जाकर के उसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो की जानकारी ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो, तब तक के लिए जय।